उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप किया गया मामला मुरादनगर इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों का तलाश शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक दंपति ने शिकायत की थी। सोमवार के सुबह वे दोनों किसी काम से बाहर गए थे तो उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसी दिन दोपहर को कॉलोनी के एक मकान में काम करने वाला युवक उसकी बेटी को बहला फुसला के अपने साथ जंगल में ले गया। वह उसके साथ लड़की के साथ रेप किया। वह वही नहीं रुका, उसने फोन करके अपने 4 अन्य दोस्तों को भी वहां बुला लिया। फिर उन सब ने मिलकर लड़की के साथ गैंग रेप किया। विरोध करने पर लड़की को पीटा। परिजनों ने बताया कि जब लड़की ने विरोध किया तो बुरी तरह से लड़की को पीटा, इतना पीटा कि वह लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद उसने गुल्लल शाहपुर के पास उस लड़की को फेंक दिया और वो सभी वहां से फरार हो। किशोरी ने जब यह पूरी वारदात अपने घर वाले को बताई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब पुलिस नाजाद और 4 अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। वो सब उन लोगों को बहुत ही तेजी से खोज रहे हैं। उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उस जैसे नीच हरामी लोगों के साथ क्या होना चाहिए। बहुत ही बेरहमी होना चाहिए।